सर हमें ऐसे तो फॉमले याद नहीं हो रहे हैं और आप फॉमले पे फॉमले बढ़ाए जा रहे हो सर सर रहम करो हम पर सर प्लीज हम नहीं पढ़ पाएंगे देखो यार ऐसा है मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ा नहीं है ये आसान ही है ये आसान ही है इसको बस आप लोगों को ना एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब याद हो जाता है यार सब याद बहुत तो ही प्यार से मोती जैसे अक्षर से लिखना बढ़िया सुंदर सा अद्भुत डब्बा बनाना और इस अद्भुत डब्बे को एक रेड पेन से ऐसे लेना और ऐसे करके काट देना और लिख देना नीचे और क्या लिखोगे गलत है आपको तो लिखना, लिखना, लिखना है, आपको भी सेम, में, लिखना है भाई। मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बहुत ही स्मूथ वे में पढ़ाने वाला हूँ और जीरो से एडवांस तक पढ़ाऊंगा और ये बात ध्यान रहे कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगा जो बियॉन्ड आई आई टी होंगे मतलब कि आई आई टी से भी ऊपर के कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है आशीष सोनी और आज हम शुरू करेंगे सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर फोर जो कि लास्ट लेक्चर है तो दोस्तों सर्कुलर मोशन के काइनमिट्स वाले पार्ट में हम लोगों ने अभी तक 95 परसेंट तक कंप्लीट कर लिया है तो जो बचा कुछ पांच परसेंट है वो आज के लेक्चर में हो जाएगा और जो आज का टॉपिक है वो है अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर तो कुल मिला जो पांच का टॉपिक बचा है वह है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में ठीक है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम पढ़ेंगे आज और उस पर बेस्ड हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस करने वाले हैं और ध्यान रहे बच्चों मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बहुत ही स्मूथ वे में पढ़ाने वाला हूं और जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा और यह बात ध्यान रहे कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे बताऊंगा जो बियॉन्ड आई होंगे मतलब कि आई से भी ऊपर के कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा है ना जो कि आप कॉलेज लेवल पर जाके सीखोगे वो हम यहां पर आज पढ़ लेंगे और बहुत इजी वे में कोई टफ नहीं है मेडिकल बच्चा या बोर्ड वाला बच्चा जो होगा वो भी अच्छे से कर लेगा आज के लेक्चर में ये बात तो ध्यान रखना आप है ना पूरा स्मूथ लेक्चर लेक्चर रहेगा आज का बहुत डिटेल में होगा मजा आने वाला है क्लियर है ठीक चलिए तो दोस्तों अपने पास आज पढ़ने का भी ये रहेगा कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे फिर हम ओवरऑल सर्कुलर मोशन पर कुछ क्वेश्चन करते हुए इस लेक्चर को समाप्त करेंगे ठीक है और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल हमेशन चालू करेंगे ठीक है चलिए तो अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो दोस्तों जल्दी से हेडिंग डालो रेडियस ऑफ कर्वेचर जल्दी से हेडिंग डालो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसको शुरू शुरू करने से पहले मैं आपको एक काम करता हूं थोड़ा सा इसको और अच्छे वे में बता देता हूं जिससे आपको एकदम जहन में उतर जाए आपके है ना चीजें तो देखो एक बात मैं बता दूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत कैनमेटिक्स आना जरूरी है कैनमेटिक्स मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन आना जरूरी है थोड़ा बहुत है ना क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं इसीलिए ठीक है और क्योंकि मैं शुरुआत ही उससे करने वाला हूँ हल्का फुल्का तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है जिसने कामेटिक्स पढ़ा हो अब जिसने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत उसको नॉलेज फिर भी होगा ही है ना डोंट वरी चलिए तो ऐसा करते हैं अपन ऐसा समझो आप बात को है ना जैसे मान लो दोस्तों कि हमने एक यहाँ पर पत्थर को फेंका यहां पर प्रोजेक्टाइल करा है ना हमने यहां पर एक ऐसा प्रोजेक्टाइल कर कर दिया मान लो ठीक ठीक है है ऐसे हमने एक पत्थर को वी से फेंका एट एंगल थीटा थीके? ये तो हम कर सकते हैं अब देखो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इसका मतलब समझना है ना आपको फील लेना है यहां पर ध्यान से जैसे हमने क्या करा अभी एक पत्थर को फेंका प्रोजेक्टाइल करा हमने ठीक है तो अब हमें इस अच्छा एक बात बताओ पहले तो कि ये जो पाथ होगा ये पाथ कौन सा है पहले बताओ पहले तो बताओ ये जो पाथ है ना ये जो पार्टिकल के द्वारा कवर किया गया जो पाथ है वो कौन सा पाथ है तो तुम बोलोगे बेटा पेराबोलिक बहुत बढ़िया बेटा है ना ये हो जाएगा बेटा पैराबोलिक पाथ है ना यो हो जाएगा पेराबोलिक पाथ बहुत अच्छे अच्छा पेराबोलिक पाथ कैसे हुआ कहां से आया ये सब तो अपन को पता है है में पढ़ रखा है। अच्छा अपने दो चीजें अपने ये वाली बात सबको याद होगी जिसने भी काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है तो है ना जिसने नहीं पढ़ रखा है तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है ठीक है ये वाली बात मतलब आपको आती हो तो ठीक है नहीं भी आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है है ना हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं रहेगा बस हम पढ़ रहे हैं पहला बल्कि बात है तो इसलिए हमने यहां पर बता दिया और जिसको ये याद है उसको एक और चीज याद होना जरूरी है जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं और जिसको नहीं याद था तो प्लीज जल्दी से अपने नोट्स में इसको एडअप कर लें कि वाईजिकल टू एक्स थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाय आर ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है और ऊपर वाली इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री है मगर ये वाला जो पाथ, ये वाला जो आपके पास फॉर्मूला है ना बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर एक्स बाई आर मतलब कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टरी इन द टर्म्स ऑफ रेंज आई होप कि आप लोगों को ये सब याद होगा है ना अच्छा चलो भैया अब अपन आगे बढ़ते हैं ना अब भाई अपन आगे बढ़ते हैं हाँ सर बहुत बढ़िया तो अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो, तो हमने देखा कि अभी पत्थर को जो फेंका है वो पाथ जो है बेटा वो पैराबोलिक है बहुत अच्छे सर अब पैराबोलिक पाथ है तो मुझे कर्वेचर की रेडियस चाहिए मुझे किसी भी कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पर निकालना हो क्या हम कर सकते हैं क्या ध्यान से समझना तुम लोग है ना पहली बात तो ये समझ लो कि हम किसी भी पाथ की किसी भी पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं और मैं आपको थोड़ा समझाता हूं पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है पहले तो आप ये, समझे ये पत्थर को मैंने जब फेंका तो मान लो यहां पर आ गया ये पत्थर तो क्या इसकी वजह से इधर की तरफ वी, वी हो जाएगी मतलब कुछ और हो जाएगी ना वी नोड से फेंका तो यहाँ पर वी हो जाएगी सही बात है हाँ सर बिल्कुल सही है अच्छा एक बात बताओ फिर इसी के साथ साथ कि अगर मैं पूछू तुम लोगों से कि भैया नीचे की तरफ क्या लग रहा है तो तुम बोलोगे सर ग्रेविटी बिल्कुल सही है सर ग्रेविटी अच्छा तुम लोग ये देख रहे हो दोनों के बीच में ना एंगल थीटा है जो कि एक्यूट एंगल है और इसका मतलब ये होगा कि सर इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन हो रहा है इस पार्टिकल का क्योंकि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पार्टिकल के अलोंग भी आएगा मतलब वेलोसिटी अलोंग भी आ रहा होगा सही बात है ना ये तो ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि क्या मैं बहुत ही छोटे से समय के लिए क्या मैं बहुत ही छोटे से समय के लिए मतलब यहां से यहां के लिए मतलब इतनी सी आर्क इस पूरे पाथ में सिर्फ मैं इतनी सी आर्क को एक ऐसा सर्कल कंसिडर कर सकता हूं क्या ऐसा सर्कल मान सकता हूं क्या कि एक सर्कल का एक आर्क होगा छोटे से आर्क को मैंने बोला बस है ना इस तरह से हा या ना मतलब बेटा मैं इतने से पॉइंट को उठा रहा हूं ना ये ये जो इतना सा एलिमेंट है ना इस पूरे पाथ का इतना सा एलिमेंट जो ले रहा हूं क्या मैं उस एलिमेंट को

ठीक है चश्मा बनाने वाले के पास है ना ऑप्टिकल के पास गए कि भैया ये बना दो चश्मा हुआ और दिक्कत क्या हुई कि आप अपना नंबर जो है वो भूल चुके हो है ना आपको आपका चश्मा नहीं पता तो वो क्या करता है आपके जो टुकड़े है ना चश्मे के वो जाता है उसको रखता है अपने पास और वहां पर से उसका रेडियस बता देता है ये होता है कि नहीं है ना वैसे मैं ट्वेल्थ में इसके बारे में भी बताने वाला हूँ है ना कि ये कैसे निकाला जाता है ठीक है एकदम प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं आपको है ना किस तरह से निकालते हैं ठीक है तो ऐसा करते हैं ना अपन मतलब हम वो क्या कर रहे हैं देखो अभी तो ये जो आपका चश्मा है हो सकता है वो स्पेरिकल है तो आप उस तरह से आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं मगर ये किसी भी कर्ड का होता ना आप उसका एक रेडियस निकाल सकते हो मतलब ये बोलना चाह रहा हूं बच्चे कि चाहे पाथ कोई सा भी हो चाहे वो पेराबोलिक हो चाहे वो इलेप्टिकल हो चाहे वो हाइपरबोलिक हो कोई सा भी पाथ हो हम उसके किसी एक छोटे से एलिमेंट पर एक रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं क्यों निकाल सकते हैं सर क्योंकि हम उस छोटे से एलिमेंट को एक आर्क ऑफ सर्कल मान सकते हैं एक आर्क ऑफ सर्कल मान सकते हैं और उस आर्क का हम रेडियस लिख सकते हैं सर्कल के रेडियस के बराबर होगी ये बात समझ में आ रही है कि तुम्हारे बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या तुम्हारे हाँ या ना ये बताओ समझ में आ रही है हो गया तुम्हारे पास रेडियस आर है ना तो आपको यह बताना चाह रहा हूं मैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है तो हम किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं दोस्तों ये बात ध्यान रखना पहले बात तो इतना दिमाग में आ गया होगा आपके पल्ले पड़ गया होगा कि भाई हाँ ठीक है हम किसी भी पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं ये बात समझ में आ रही है क्या अच्छा एक और बात आपको ध्यान रखना है क्या है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने बोला आर, क्या वो इस पूरे पाथ की नहीं ये तो पैराबोलिक पाथ है ना बच्चे बेटा ये तो पैराबोलिक पाथ है मैं तो किसी छोटे से एलिमेंट पर किसी पॉइंट पर पूछ रहा हूं कि रेडियस क्या है है ना इसकी यहां पर पूछूंगा तो कुछ और आएगी यहां पर कुछ और आएगी यहां पर कुछ और आएगी यहां पर कुछ और आएगी कहीं ज्यादा कहीं कम कुछ भी हो सकती है समझ में आ रही है बात तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके हर एक एलिमेंट में देखूंगा तो वो अलग अलग आएगी यार है ना वो कुछ भी हो सकती है हाँ इट मे बी पॉसिबल कि यहां पर कोई दो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाए कैसे क्योंकि बेटा ये जो पाथ दिख रहा है ना तुम्हें बिल्कुल सिमेट्रिक है एक्सिस के अबाउट देखो सिमेट्रिक है तो जैसे मैंने यहां पर बनाया है तो यहां बिल्कुल सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहां पर भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो बनेगा वो सेम हो जाएगा है ना जो कर्वेचर होगा यहां पर सेम होगा ये आपको पता होगा वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है है ना ये सिमेट्रिक है बॉडी सिमेट्रिक है डायग्राम तो आपको पता चल गया कि यहां पर जो होगा वो यहां पर होगा यहाँ पर जो होगा वो यहां पर होगा जो यहां पर होगा वो यहां पर होगा सिंपल सी बात है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल सकते हो और ये बात ध्यान रखना कि सबके अलग अलग होंगे है ना बट एक्सिस के इस तरफ और उस तरफ अगर अपन देखें ना तो एक एक जो है वो दोनों सेम हो सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है ये तो हो गई अपने पास कर्वेचर की बात अब निकाले कैसे सर आर को कैसे निकाले सर मतलब हमने क्या बोला सर किसी भी पाथ का हम किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने जा रहे हैं तो मतलब वो आर रेडियस निकालने मतलब उस आर्क का जो रेडियस है वो कितना है ठीक है तो देखो भैया अब मेरे बात ध्यान से समझना एक बात आप ये बताओ कि कोई भी पाथ देखो पार्टिकल की स्पीड जो पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है बेटा वो अपन कैसे निकालते हैं तो आप लोग बोलोगे सर वो जो पाथ है ना उसमें टेंजेंट मार दो उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा सही बात है ना अच्छा हम्म बहुत बढ़िया तो देखो हमने ना यहां पर वेलोसिटी बनाई क्योंकि टेंजेंट मारी हमने वेलोसिटी बन गई है ना क्योंकि वो इस पाथ का है और वेलोसिटी का जो हमने टेंजेंट मारी तो उससे वेलोसिटी मिल गई उस पॉइंट पर ये बात तो क्लियर है तो अब ना दोस्तों मैं क्या ये एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं देखना ध्यान से समझना तुम है ना तुमको बाद में समझ में आएगी वाली अंदर सर्कल बनाया ना क्या मैं इस छोटे से आर्क को इस सर्कल इस एलिमेंट को इस सर्कल का आर्क मान सकता हूं मैंने बोला था आपसे तुमने बोला हाँ तो बेटा मैं इस पार्टिकल को कुछ बिल्कुल छोटे से समय के लिए बिल्कुल छोटे समय के लिए क्या इस सर्कल में घूमता हूँ हाँ सर। सर सर्कल का हिस्सा है छोटा सा तो आप मान सकते हो ऐसा तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो उसका होगा ना सेंट्रिपिटल रेडियल है ना जैसे बोले बात देखिए रेडियल तो सर वो हो जाएगा वी स्क्र वायर क्या हम ये बोल सकते हैं बिल्कुल सर

अब मेरे बहुत ध्यान से समझना है जो ए आर है ना उसके बारे में समझा रहा हूं मैं क्या मैं इस रेडियल को देखो जो ये ग्रेविटी है बेटा ये ग्रेविटी ग्रेविटी का का एक का एक एक कंपोनेंट 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 इस इधर होगा एक उधर होगा उधर सही बात है तो मतलब ग्रेविटी का एक टेंजेंट कंपोनेंट भी होगा एक रेडियल कंपोनेंट भी होगा और हमें रेडियल वाले से मतलब होगा क्योंकि हमें रेडियस निकालना है तो हमें ए सी से डिवाइड मानना पड़ रहा है ना तो हमको किससे मतलब है रेडियल वाले से मतलब कि क्या मुझे यहां पर ये मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये रेडियल एक्सेलरेशन को क्या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ कि होगा ए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ए परपेंडिकुलर आएगा ठीक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रहे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये ठीक है और यही चीज आपको याद रखना है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है भाई साहब ये भूल मत जाना

वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना था यहां पर हमको रेडियस निकालनी है उस कर्वेचर की तो एक बात बताओ क्या मैं कर्वेचर चेंज कर सकता हूं क्या इस कर्वेचर क्या इस पॉइंट पर मुझे रेडियस फाइंड करना है तो मैं कर्वेचर को नहीं बदल सकता जाहिर सी बात है है ना हम कर्वेचर को नहीं बदल सकते तो हम यहां पर लिख दें कि वी कैन नॉट एल्टर द पाथ ऑफ पार्टिकल वी कैन नॉट वी कैन नॉट एल्टर द पाथ ऑफ पार्टिकल ये तो बात सही है ना बेटा हम पार्टिकल का पाथ एल्टर नहीं कर सकते ना क्योंकि हमें उसी पाथ को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना पड़ेगा आगे जाकर रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लिखना है ना हम उस पाथ को नहीं बदल सकते अच्छा पाथ पाथ को को नहीं बदल सकते तो पाथ की वेलोसिटी भी नहीं बदल सकते क्योंकि पाथ ये पाथ जो है इस पर टेंजेंट मारा था तभी तो वेलोसिटी निकली तो हम वेलोसिटी को नहीं बदल पाएंगे और हमने जो सर्कल बनाया वो इसी तरह से तो बनाया कि जो सर्कल जो ये पाथ है

एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है ना बेटा ध्यान रखना वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला वही रेडियल एक्सेलरेशन है इसलिए बोल रहे हैं हम परपेंडिकुलर है ना तो ध्यान से असलियत में यार तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर वो ए परपेंडिकुलर क्यों ले रहे हो भैया वो रेडियल एक्सेलरेशन ही है ठीक है वो तो हमने लिखा परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि इस जी का कंपोनेंट हमें इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा है ना इसलिए हमने इस तरह से लिखा है खैर क्लियर तो हो गया होगा आप लोगों को है ना सिंपल सा कहानी है मैं तुम लोगों को एक बार शॉर्ट में बताया था क्या हुआ हम किसी भी पाथ का किसी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं ये बात है हम ये निकालना चाह रहे हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो टॉपिक है वो यही है क्योंकि कि हम किसी भी पाथ का किसी भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं कोई जरूरत नहीं है हमें कि वो स्टैंडर्ड ग्राफ हो पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स ये जरूरी नहीं है चाहे वो y x³ हो चाहे कोई सा भी कर्व हो हम उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर

ऐसे लेना और ऐसे करके काट देना <coughs> और लिख देना नीचे और क्या लिखोगे नीचे कि ये रोंग है ये रोंग है ठीक है गलत है क्या है ये गलत गलत है भाई साहब लिखना पड़ेगा यार गलत लिखना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखना है आपको अभी सेम अपनी कॉपी में ठीक है वो इसलिए लिखना है भाई साहब क्योंकि जब भी आप पन्ने पलटाओगे ना तो आपको ये जरूर दिखेगा और जब भी ये दिखेगा तो तुम समझ जाओगे कि यार मुझे ये नहीं करना है ठीक है ना आपको ये दिखना चाहिए बिल्कुल कि यार कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको ओमेगा वी बाईआ में भी समझाया है और यहां पर भी समझाया है है ना कभी गलती से भी गलत मत कर देना ये बात ध्यान रखना गलती से भी गलत करना बेटा तो खुद को थप्पड़ मार लेना उस वक्त कि समझ में आ जाए कि हाँ भैया आइंदा गलती ना करूं क्योंकि बेटा मैंने कितनी बार तो बोल दिया आपको है ना इस बारे में और ओमेगा वी बाई आर बारे में क्योंकि बेटा इसके लिए ही मैं अलग से टाइम दे रहा हूं इसको बताने के लिए कि ये नहीं करना है गलती ये है सही वाला ठीक है और इसके बारे में पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन जितना समय लिया है मैंने वो इसके लिए ही लिया है समय नहीं तो आपको बिल्कुल जो बुक में फॉर्मूला बताते हैं उतरना चाहिए सीधे -सीधे कि हाँ यार क्यों लिया है ये असल में परपेंडिकुलर नहीं वो तो सेंट्रीपिटल का एक्सलेशन से ही जनरेट करा है फॉर्मूला लेते हैं ना तो इसलिए उन्होंने लिख दिया ठीक है आई होप की आप लोगों को अभी ये वाला पूरा कहानी समझ में आ गया होगा तो बेटा मैं अब ये रफ करने जा रहा हूं है ना अब यहां पर थोड़ा बहुत लगता है। थोड़ा बहुत बहुत लगता लगता है है देखो है ना तो वैसे भी हम यहां पर पूरा डिटेल में बताएंगे जिसको प्रोजेक्टाइल नहीं आता होगा उसको भी समझ में आ जाएगा डोंट वरी अबाउट इट ठीक है चलिए आप जल्दी से बच्चों लिख दो और फिर हम इसको थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि क्या चीजें होती हैं इसके अंदर ठीक है ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट 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 बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये कर लेना ये अपने पास देखा जाए तो इतना ही ये अपनी थियरी में मगर अब इसके आगे जाकर और भी अंदर डेप्थ में पढ़ेंगे अपन ठीक है चलिए जल्दी से लिखो उसको चलिए दोस्तों तो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं करवेचर की ठीक है किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा अपन करवेचर की ठीक है करवेचर की तो देखो तो तो कर्वेचर क्या होता है ध्यान से समझो बड़े सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सर ये कर्व है और ये इसमें कर्व नहीं है हम ये बोलेंगे अगर कर्वेचर में डिफरेंस देखना है तो कि सर इसका जो कर्व है ना इसका कर्व है सर ठीक है इसका कर्व है जीरो नहीं है और अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का बात करूं तो कर्व जो होगा इसका सर वो कर्व जीरो होगा इसमें सर कोई कर्व नहीं है सर ये फ्लैट है सर ये कर्व नहीं है सर इसमें सिंपल से आप इस तरह से बोलोगे सर कर्व का अगर मैं आपसे कि कौन सी चीज़ कर्व होती है कौन सी नहीं होती तो आप बोलोगे सर इसमें कर्व है इसमें कर्व नहीं है बिल्कुल सही बात है ना अच्छा अच्छा वैसे जो ये रेडियस जो ये कर्वेचर है ना और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो नाम है ये आपने पहली बार पता कहाँ सुना था आपने टेंथ में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे ना आपने तब सुना था टेंथ में जब आपने ऑप्टिक्स पढ़ा था ना तब आपने सुना था जैसे आपने मिरर पढ़ा होगा ना मिरर है ना आपने लेंस पढ़े थे तो आपने उसमें कर्वेचर भी आपने वहां पर सुना था सही बात है ना अच्छा अच्छा आप ध्यान से समझना है ना आप लोगों कर्वेचर है ना थोड़ी सी बात अभी आपसे पूछता हूँ आप सब लोग आंसर देना जैसे यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है एक यहाँ पर कर्व ऐसा बना हुआ है और एक कर्व बिल्कुल ऐसे शार्प बना हुआ है ठीक है ना हाँ जी सर बिल्कुल है ना और एक और एक काम कर लेते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को भी ले लेते हैं है ना चार यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया है ना बेटा मैं अगर आपसे बोलूँ कि भैया इसका नाम वन है इसका नाम टू है इसका नाम थ्री है इसका नाम, नाम फोर है है ना मुझे बस इसका ना कर्वेचर बना के दिखा बता दो कर्वेचर कर्वेचर का मुझे यहां पर रेशो बताओ मतलब ऐसा बता दो कि कर्वेचर किसका बड़ा है किसका छोटा है मतलब ऑर्डर बता दो जल्दी से कि यहां पर किसका कर्वेचर ज़्यादा है किसका कर्वेचर कम है तो आप बोलोगे सर देखिए ये कर्व सर अभी कम है देखा जाए तो ये सर कम करव है यहां पर सर ज़्यादा कर्व है एकदम शार्प कर्व हो रहा है सर थोड़ा सा मतलब लगभग लगभग सर ज़्यादा करव है इससे तो ज़्यादा है सर ये ज़्यादा कर्व है सर ये तो एकदम शार्प कर्व है बिल्कुल शार्प करो सर यहां पर से एकदम से मुड़ गया सर ठीक है और सर इसमें तो कोई कर्व ही नहीं है इसमें तो कोई कर्व है ही नहीं तो सर सबसे पीछे आएगा फोर ठीक है और फिर सर हम बोलेंगे कि सबसे ज्यादा होगा थ्री है ना सर सबसे शार्प टर्न सब है सर सबसे ज्यादा कर्व ये हुआ तो हम ये बोलेंगे सर सबसे आगे होगा थ्री है ना फिर होगा टू फिर होगा वन और फिर होगा जीरो मतलब फोर्थ वाला है ना जिसका कर्वेचर है ही नहीं कर्वेचर जीरो है सही बात है अच्छा मैं आप लोगों से बोलू बच्चे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बता सकते हो क्या मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तुम बोलोगे हाँ सर वही बता सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ना बेटा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो बना के देखो वो भी एक टॉप मोस्ट पॉइंट निकालना है सब के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ना तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर मैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालूंगा ना तो सर मेरे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सर बड़ा आ रहा है कुछ इस तरह से है ना यहाँ पर मैं सर्कल बनाऊंगा तो सर मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर सर वो जो आर्क होगी वो बड़े सर्कल की होगी है ना इस तरह से आएगा रेडियस और यहाँ देखोगे आप लोग तो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा एक रेडियस दिखेगा आपको है ना यहां देखोगे तो बिल्कुल पॉइंट रेडियस दिखेगा जिसका आर में लगभग जीरो मान सकता हूं और यहां की बात करूं तो बच्चे तो सर ये जो लाइन है ये जो लाइन है किसी सर्कल के एक आर्क होगी है ना हम ये तो करते हैं ना छोटे से एलिमेंट को सर्कल के आर्क मानते हैं तो ये लाइन को सर्कल की एक आर्क मानना है तो सोचो कि वो सर्कल कितना बड़ा बनेगा जिससे कि यहां पर ये तो आप ये बोलोगे कि सर ये बहुत बड़े सर्कल के लिए बिल्कुल आर् के तरह काम करेगा इसलिए सर इसका जो आर होगा ना वो इन्फाइनेट हो जाएगा सर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा वो इन्फाइनिट हो जाएगा जाहिर सी बात है ना उसका कर्व है ही नहीं हमको ऐसे दिख रहा है है ना हम ये बोलेंगे कि सर वो बहुत इन्फाइनिट में जाकर मुड़ा होगा सर इस तरह से हम बोल सकते हैं है ना और ये बेटा आपने अभी कॉन्सेप्ट नहीं ये पहले भी पढ़ा है आपने जब आप लोगों ने मिरर और ये सब पढ़ा था ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स पढ़ा था टेंथ में है ना तो आप लोगों ने ये देखा था कि वहां पर जब मिरर लिया जाता था तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का क्या बोलते थे अपन इन्फिनिटी और इसलिए इसको फोकल लेंथ जीरो माना था अपन ने है ना उसका फोकल लेंथ हमने जीरो माना था बस वही कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी माने थे सेम यहीं पर भी कर रहे हैं अपन है ना तो चलिए अब यहां पर अपन लिखे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा अगर इसका ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा कौन हुआ फोर्थ वाला है ना सबसे कम हो गया ये वाला तो मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा है ना फोर वन फिर ये टू फिर थ्री है ना आप देखोगे कि इसका रेडियस इससे तो ज्यादा है तो वन आगे हो जाएगा फिर टू हो जाएगा फिर थ्री जीरो वाला है ना और सबसे आगे जो इन्फाइनिट है सबसे ऊपर है तो भैया फोर वाइन टू थ्री इस तरह से बन जाएगा तो कुल मिला के बेटा मैंने आप लोगों को बस ये समझाना चाहे यहां पर कि कर्वेचर जो होता है ना बच्चे कर्वेचर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक है जल्दी से आप इसको नोट डाउन करो फटाफट नोट डाउन करो और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना ये आपको पता होना चाहिए है ना बेटा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्लियर कि जो कर्वेचर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है बराबर चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं है ना अब हम कुछ क्वेश्चन के पैटर्न समझ लेते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर ठीक है अब मजा आने वाला है आपको चलिए दोस्तों तो अब मैं आ जाता हूं इसके प्रॉब्लम सेक्शन पर है ना जहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो एक काम करता हूं मैं इसको बहुत ईजी कर देता हूं आपके लिए बहुत स्मूथ कर देते हैं ठीक है क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं उसके लिए तो देखो यार इसमें ना कुल मिला के तीन वेरायटी के ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे ज़्यादा तो उसके मतलब औकात होगी भी नहीं पूछने की ठीक है मतलब आई हो कुछ भी हो उससे इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी श्योरिटी है ठीक है और इनफैक्ट उससे ज़्यादा आज तक गया भी नहीं है हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जाए ठीक है जिससे कि हमारे लेवल पर तो आए अब यहां पर क्या है ना कि मैं आपको एकदम एडवांस लेवल के ऊपर भी ले जाऊंगा ठीक है और उसके बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक चलिए बस ये तीन पैटर्न समझना है आपको और इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे सारे बनने लगेंगे ठीक है चलिए अब अब ध्यान से सुनना है ना बेटा अब यहां पर क्वेश्चन चालू हो गए हैं अपने अभी थेरी सब तो अपने दिमाग में बैठ गई है अपने चलो तो देखो यार इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो तीन वेरायटी के होते हैं एक तो भी इसमें सीधे सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एक आता है वेक्टर फॉर्म में में किस में आता है? आता है है बेटा एक वेक्टर के फॉर्म में ठीक है और एक आएगा आपके पास फंक्शन के फॉर्म में है ना एक आएगा आपके पास किसके इक्वेशन ऑफ के फॉर्म में या फंक्शन के फॉर्म में है ना पर अपने बोले इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्टर के फॉर्म में मिलेगा ठीक है या फिर वो फंक्शन के फॉर्म में मिलेगा वाइज गल टू इफेक्ट

आपको बोला कि यहां पर आपको बताना है कि चलिए बताइए यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है तो तुम क्या बोलोगे सर देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है सर वो होता है बीस क्रो बाय ए परपेंडिकुलर सर क्या होता है वो बीस क्रो बाय ए परपेंडिकुलर ये होता है सर है ना तो सर यहां पर उसकी वेलसिटी निकाल लो जो भी है उस पाथ के अलोंग और यहां पर जो उसका सर ए परपेंडिकुलर होगा वो निकालना है सर अपने को तो सर यहां पर तो ए परपेंडिकुलर खुद ग्रेविटी ही है तो आपको आंसर सीधी सीधी मिल जाएगा आपको है ना इस तरह से अच्छा सर यहां निकालने के लिए बोले तो तो सर पहले यहाँ पर कि वेलसुटी निकालो देखो भैया आपको बोलेगा वो कि विनोड इतना दिया है ठेठा इतना दिया वो बोलता है है ना तो इनके जरिए आप यहाँ पर वेलसुटी निकालना जानते हो ये आप लोगों को पता है तो आपको बोलते हैं यहाँ पर चलो आपकी मान लो वेलसुटी आ गई वेडेस ठीक है अब आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे भैया तो, तो तुम बोलोगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना तो सर बड़ा आसान यहाँ पर बनाओ सर्कल ठीक है सर यहाँ बनाओ सर्कल और सर इस सर्कल का अगर मैं रेडियस देखूँ तो सर वो यहाँ पर आएगा तो सर मुझे ए परपेंडिकुलर चाहिए होगा मतलब इसके अलोंग चाहिए होगा सही बात है ना तो बेटा मेरे पास जो ग्रेविटी है ना जो मेरे पास ग्रेविटी है ना वो नीचे लग रही है है ना तो मुझे इस जी का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा मान लो कि आप लोगों को ऐसा बोला हो कि वेलोसिटी थीटा बना रही है एंगल ओरिजेंटल से तो तुम समझ जाओगे सर ये थीटा तो ये नाइनटीम थीटा तो ये एंगल थीटा तो सर जी का कॉस थीटा इज ए परपेंडिकुलर तो आप लगा देना कि ए परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा जी का कॉस थीटा

ए इसके सीधे सीधे अगर परपेंडिकुलर है तो मैं सीधे सीधे बीस क्योर बाई ए परपेंडिकुलर लगा दूंगा ए लगा दूंगा सीधे सीधे वी का मैग्रीटो निकालूंगा मोड बी निकालूंगा मतलब मोड ए निकालूंगा और यहां पर बीस क्योर बाई ए आ जाएगा ठीक है अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो और परपेंडिकुलर होने के लिए क्या चाहिए डॉट प्रोडक्ट जीरो ठीक है अगर वो हो रहा हो तो बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छे और अगर वो नहीं हो रहा है जीरो है ना तभी अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो अगर नहीं जीरो हो रहा है तो अपन को कैसे करना है तो ध्यान से सुनना जैसे मान लो बेटा कि वी यहां पर है मान लो कि वी यहां पर है है ना और आपका ए यहां पर है ध्यान से समझना आप लोग है ना ये ए यहां पर है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो ठीक है ठीक है मान लो कि वो परपेंडिकुलर नहीं है तो अब कैसे निकाले सर तो अब अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये बेटा है ना ध्यान से समझना तो अब कैसे करना होगा तो भैया आप लोग क्या करना कि इस ए के दो कंपोनेंट तोड़ना एक होगा सर ये और एक होगा यहाँ पर है ना सर इसका ये वाला होगा ए पेरल और ये होगा ए परपेंडिकुलर

पहले कॉस्टेटा निकालना कॉस्टेटा तुम्हारे तो पास कितना आ जाएगा सर मतलब आप लिख सकते हो ना कि ए डोट वी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड वी कॉस्टेटा तो कॉस्टेटा आ जाएगा आपके पास क्या वी डोट ए ठीक है वी डोट ए अपान में मोड v मोड ए है ना अच्छा आप लोग ये मत सोचना कि सर हमें एक्सेलेशन का परपेंडिकुलर चाहिए ना सर तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ना सर v क्रॉस a तो हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलता है तो

अगर हमें V के परपेंडिकुलर चाहिए वो भी इसी के प्लेन में ध्यान से वैसे मैं ना इसके ऊपर एक एडवांस लेवल का एक लेक्चर बनाने वाला हूं टेंशन मत लो ठीक है मगर अभी आप समझो जो मैं बोल रहा हूं हमें एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी के हमें एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी से वो भी इसी के प्लेन में तो भाई साहब आपको ना को सीटा निकालना पड़ेगा पहले और उससे फिर साइन टेटा निकालना पड़ेगा जो हो रहा है आप ऐसा नहीं कर सकते कि वी क्रोस इजिकल टू वी साइन टीटा ना ऐसा करोगे तो भैया फंस जाओगे ऐसा ना करना कभी भी ठीक है है ना वो वहाँ पर से वो वो भी मिल जाता है वो एनकेप हमको उससे मतलब नहीं है उसकी जरूरत ही नहीं है है ना हमें ये चाहिए था तो थीटा निकाला अब थीटा निकाल लो तो देखो बेटा अपन क्या करेंगे थीटा निकाला फिर थीटा निकालो जैसे थीटा जो भी तुम्हारे पास आएगा आप निकाल सकते हो इसके जरिए और अब अगर आपके पास थीटा आ गया तो बेटा आपके पास ए परपेंडिकुलर आ गया जाहिर सी बात है ना यहाँ पर आप निकाल सकते हो ये मोड ए होगा ये मोड भी होगा इस तरह से ठीक है ना तो मोडे मोडवी तो निकालना जानते हो ना बेटा आप लोग मोडे मोडवी क्या होता है है ना अंडर आउट में दिस का स्क्वेयर और मोडे हो जाएगा अंडर आउट में इनका स्क्यर तो बस क्या करना था यहाँ पर आप लिख देना कि मोड मोडवी का स्क्वेयर जो भी आ जाएगा जैसे क्या आएगा मोड मोडवी का स्क्यर तो तुम बोलोगे सर ए वन स्क्वेयर प्लस ए टू बी वन का स्क्वेयर है ना सर ये आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर ए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा सर तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा सर हमारे पास ए साइन थीटा है ना और यहाँ पर हम सर साइन थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से उठा के डाल देंगे आंसर खत्म फिनिश तो बेटा ये मैंने बहुत एडवांस लेवल की चीज बता दी है मेडिकल वालों को तो ये कभी पूछेंगे भी नहीं मेडिकल वालों से सिर्फ यहाँ पर से क्वेश्चन आता है बिल्कुल सिंपल था यहाँ पर से क्वेश्चन आता है मगर हाँ कल को अगर वो पागल हो जाए कभी ये वाला क्वेश्चन दे दें पता तो होना चाहिए ना लॉजिक और लॉजिक कितना सिंपल है कि, क्या हार्ड वेयर लग रहा है क्या कितना सिंपल है भैया अगर वेलसूट well वैक्टर दिया है एक्सलेशन वैक्ट दिया है तो सर हमको क्या करना होगा सर हमको ए साइन थीटा निकालना है और मोडवी का स्क्वायर अपॉन में ए साइन थीटा कर देना है अब सर साइन थीटा ढूंढना है सर साइन साइन थीटा थीटा निकालने के लिए क्या करें सर तो पहले सर हमको वी डॉट ए करके को निकालना होगा और उससे साइन थीटा निकाल लेंगे और वैल्यू डाल देंगे फिनिश इतना सा काम है, है ना अब आते हैं अपन इस वाले मुद्दे पर ये वाला फंक्शन कभी आपको ये वाला फंक्शन मिल जाए इज फंक्शन ऑफ ऑफ है ना या इक्वेशन प्रोजेक्टिव फॉर्म में दे दे तो आप कैसे करेंगे सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना आपको बोल दिया जाए कि फंक्शन दिया है टू और बोला कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो एट एट एट, एट, एट एक्स इजिकल टू या बोलेगा एट एक्स वन कोमा वाई वन इस तरह से बोल देता है कभी कभी बार है ना फाइंड करो इस कोऑर्डिनेट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो इस कोऑर्डिनेट पर और भैया फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है ना वो कर्वेचर कुछ भी दे सकता है भाई साहब आपको साइन का कोर्स का टेन का कुछ भी दे सकता है तो किसी पॉइंट पर वो आपसे पूछेगा तो इस पॉइंट पर आपको मान लो पूछा तो उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है और आपके सामने लिख रहा हूं आपको मजा आ जाएगा बहुत सिंपल सा है है देखो बहुत मजा आने वाला है ना हंसना मत कोई भी ठीक है ना देखो रेडियस का फॉर्मूला होता है बच्चे वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर की होल पावर थ्री बाई टू अपॉन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्र आई कितना छोटा सा फॉर्मूला है ना कितना छोटा फॉर्मूला देखो <laughs> आधे अपने पेन कॉपी छोड़ के भाग गए होंगे और सर ये क्या दे दिया आपने सर हमें इससे तो फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं और आप फॉर्मूले पे फॉर्मूले बढ़ाए जा रहे हो सर सर रहम करो हम पर सर प्लीज़ हम नहीं पढ़ पाएंगे देखो यार ऐसा है मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ा नहीं है ये आसान ही है ये आसान ही है इसको बस आप लोगों को ना एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा सब याद हो जाता है यार सब याद हो जाता है ठीक है और मेडिकल वालों को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं मैं अभी आपको बता दूं मगर हाँ एक बार लिख लेना बड़ा आसान है कोई बड़ी बात नहीं है मैं आपको बता दूंगा अभी मगर हाँ लिख लेना और याद रखना आप लोग भी ठीक है ना कोई बड़ी बात नहीं है अब फोनला क्या है फिर से देखो आरजिकल टू वन प्लस डिवाइब एक्स का होल स्क् सिंपल है ना वन प्लस डिवाइब एक्स में याद करो आरजिकल टू वन प्लस डिवाइबड एक्स का होल स्कोर वन प्लस डिवाइब एक्स का होल स्क् कि होल पावर थ्री बाई टू और अपॉन में डबल डिफरेंशियट डी क्वेश्चन करना हो ना तो आपको क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन को एक बार डेरिवेशन करो और फिर दोबारा बार डेरिवेशन करो ठीक है तो डिवाइबी एक्स का आपको स्क्वेयर चाहिए पड़ेगा यहां पर एट पॉइंट एक्स वन वाई वन और डी स्कोर चाहिए होगा एट कोम एट पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन पर ठीक है बस इससे ज्यादा वेराइटी आपको कहीं दिख जाए तो बता देना हमें इससे ज्यादा कहीं नहीं जा रहा भाई साहब बाहर या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा मैंने सारी वेराइटी जितनी भी है सब अंदर डाल दी यहां पर आप ये सोच के आपको पता भी नहीं चला होगा हम कब बियॉन्ड आई आई टी पहुंच गए और मैं आपको बता रहा हूं आई आई टी एडवांस में जय एडवांस में कभी भी इनसे लेवल के इससे ज्यादा ऊपर कभी गया ही नहीं क्वेश्चन और मैंने आपको इतना स्मूथली यहां पर बता दिया ना कि इससे ज्यादा अगर वो आ भी जाए ना तो आप चुटकियों में कर लोगे उसका चुटकियों में आपसे हो जाएगा समझ में आ बात चलिए मैं इसको रफ करता हूं और अपन कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं देन फिर हम सर्कुलर मोशन के ऊपर ओवरऑल क्वेश्चन करते हुए खत्म करते हैं देखा जाए तो यहां पर अपना सारा पोर्शन फिनिश होता है और लेक्चर खत्म होता है अब बस प्रॉब्लम करना है डिस्कशन तो अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इन तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे एक एक बार ठीक है चलिए इसको लिख लो अब देखो चलिए दोस्तों तो अब जल्दी से हम इसके ऊपर जितना भी हमने पढ़ा है है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं पाँच मिनट के अंदर और फिर अपन आगे बढ़ते हैं ठीक है देखिए क्वेश्चन देखो बच्चे इसमें किस तरह से आता है ध्यान से समझना है ना वो बोलता है आप लोगों को कि इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद विद वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा विद द द द हॉरिजॉन्टल देन देन फाइंड फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि किसी पार्टिकल को अगर हमने बीस फिट से फेंका है ना पार्टिकल को हमने बीस फिट से फेंका और आपको फाइंड करने के लिए बोलते पहली तो, तो बात है कि यहां पर जी नीचे लग रहा होगा। सही बात है बिल्कुल सही सर, वेल आगे जा रही और वेलोसिटी इधर हो गई होगी वी को सीटा है ना सर क्योंकि सर आपने वी से फेंका है और हम सब लोग जानते हैं इसमें कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलसिटी नहीं बदलेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सलरेशन नहीं है

ठीक है तो आंसर आप लिखोगे सर वी कोस थीटा, में ये हो जाएगा था था सिंपल सिंपल बड़ा सिंपल था। अच्छा ऐसे ही को फेंका और उसने बोला कि जब वो थीटा बाई टू एंगल बनाता है, से, जब वो बनाता है से तब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करो तो बड़ा आसान है फिर तो है ना भाई दो बार रेडिस दो बार एक जाते एक पर। तो चलो आप कहीं की भी निकाल दो पर जब ये से एंगल बना रहा था। जब ये बाइट टू एंगल बना रहा था तब इसकी स्पीड अगर मान लो विडेश होगी है ना तो अब अपने पास इसका अगर अपन देखें तो रेडियोसवेचर कुछ इस तरह से बनना चाहिए ना यहाँ पर ठीक है तो देखा जाए तो ये होना चाहिए यहाँ पर आर ठीक है अब तुम लोग ये देखोगे

स स्क्वे ठीक है और वहां पर हो जाएगा अपॉन में जी इंटू कोस स्क्वेयर ठीक बाई टू है ना देख लो भैया यही बन रहा है ना आपके पास हाँ सर यही बन रहा है तो आपके पास भैया ये रेडियस आ गई है सही सिंपल है क्वेश्चन है ना कई बार वो आपको इस तरह से दे देगा दे, जल्दी जल्दी देखो दे 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 दे, फटाफट देखो दे, तुरंत देखो दे 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 दे, अब मैं थोड़ा तो सा आपको इसमें कैलकुलेशन के साथ एक क्वेश्चन ले लेता लू है ना फिर अपन एक बार इक्वेशन और प्रोजेक्टिव वाले पर क्वेश्चन कर लेंगे जल्दी से देखो कई बार वो आपको बोलेगा कि आपने पत्थर को फेंका आपने एक पत्थर को फेंका है ना और आपसे बोल दिया जाएगा आपसे बोल दिया जाएगा कि उसकी जो स्पीड है ये मैं एक आपको न्यूमेकल तो, टाइप करा देता हूं है ना? नंबर भी ले लेते ले हैं हम है ना अभी हमने बिना नंबर नंबर के करे, नंबर के साथ कर साथ लेते हैं तो चलो भैया मान लो कि भैया उसमें 50 मीटर पर सेकंड से उसने फेंका एट एंगल फिफ्टी डिग्री एट एंगल फिफ्टी डिग्री बहुत बढ़िया सर तो अगर वो आपसे बोल दे कि फाइंड कैलकुलेट कैलकुलेट रेडियस ऑफ करवेचर वेन

अच्छा एक बात हमको यहां पर क्लियर है देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर में निकालूंगा बच्चों तो वो इस तरह से बनेगा ना हाँ सर बहुत बढ़िया तो सर ये वाला रेडियस आएगा तुम्हारे पास तो आर है ना और आपको निकालना है आर तो आर रिजगल्टू वी स्क् पर होगा ठीक है तो वी, तो वी तो आपको दे रखा है वी देखा जाए तो वो तो है है ना वो तो दिया है सेवेंटी फाइव बाई टू तो यहाँ पर आप लिखोगे सेवेंटी फाइव बाय टू का होल स्क्र ये तो आपने लिख दोगे भैया इसमें कोई दिक्कत नहीं अब ए परपेंडिकुलर लिखना है बच्चों तो ए परपेंडिकुलर के लिए आपको ए साइन थीटा मतलब यहाँ पर एक्चुअली तुम ग्रेविटी को देखोगे तो ग्रेविटी नीचे लग रही है ना तो ये जी है अब आपको एक्चुअली ना थीटा फाइंड करना होगा तो अगर मान लो इसके और इसके बीच का जो एंगल है ना बेटा ये एंगल थीटा है मान लो है ना जिसे ये वाला एंगल मैंने अभी माना है थीटा है तो ये वाला एंगल नाइनटी पाइन होगा तो ये एंगल थीटा होगा ये एंगल थीटा होगा तो मतलब आपको यहां पर जी का कोश थीटा चाहिए बच्चे जी का कोश थीटा है ना तो क्या आपको कोश थीटा चाहिए यहाँ से है ना तो कैसे करें सर बड़ा सिंपल कहानी ये तो अभी हमने लगा दिया रेडियस रेडिसोकर्विचर का फॉर्म जो भी मैंने पढ़ाया था वो यहां तक लग गया अब कोसिटा निकालने के लिए बेटा आपको काइनेमेटिक्स लगाना पड़ेगा अब काइनेमेटिक्स कैसे लगाएंगे सुनो बेटा हम लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं बदलता तो 50 का कोस 53 डिग्री बन जाएगा 30 ये बात तो तय है सही बात है तो ये 30 हो जाएगा अच्छा तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी नहीं बदलता तो मतलब इस पॉइंट पर भी नहीं बदलेगा हाँ सर बिल्कुल नहीं बदलेगा तो ये तो 30 ही रहेगा तो सर ये 30 दिया है ये वाला कितना दिया है सर ये वाला ये वाला कितना है सर इधर सेवेंटी फाइव बाई टू तो सर यहाँ पर से हम कॉसिटा नहीं बोल सकते क्या कॉसिटा इजकल टू दिस बाय दिस है ना तो ये हो जाएगा थर्टी अपॉन में सेवेंटी फाइव बाई टू तो पर ये हो जाएगा तो साठ बाय पचहत्तर साहठ बाय पचहत्तर तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ चार बाय पाँच हो रहा है क्या देखो जल्दी है ना पंद्रह चौक साठ पंद्रह पंद्रह पचहत्तर ठीक है तो ये हो जाएगा फोर बाय फाइव और ये एंगल कब होता है बेटा तो बोलना ठीटा इजिकल टू ये हो जाएगा आपके पास फिफ्ट थर्टी सेवन डिग्री पे बहुत अच्छा सर बहुत सुंदर एंगल आया तो बस क्वेश्चन की वैल्यू डाल दो आंसर खत्म तो यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सर थर्टी सेवन डिग्री है ना कॉस्टा कोस्ट थर्टी सेवन डिग्री कितना आ रहा है सर अपने पास फोर बाय फाइव सिंपल सी बात है है ना तो भैया ये लिखो यहाँ पर सेवेंटी फाइव इंटू सेवेंटी फाइव डिवाइड बाई फोर इंटू यहाँ पर टेन और ये वाला क्वेश्चटा कितना हो जाएगा फोर बाय फाइव बहुत अच्छे तो यहाँ पर से इस तरह से बन जाएगा आपके पास आंसर है ना जो भी इसको सोल्व कर लेना कैलकुलेट करके ठीक है इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएंगे आगे बढ़े तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से फटाफट चलिए दोस्तों तो अब हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री पर बेस्ड ठीक है जल्दी से देखो तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट्री पर देखो क्वेश्चन क्या आएगा वो बोलेगा कि अपार्टिकल फॉलो अ पार्टिकल फॉलो अ अजिकल टू टू एक्स स्क् टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री इस तरह से दे देगा है ना वाईजिकल टू टू एक्स स्क् प्लस थ्री ठीक है और बोलेगा कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्सिकल टू टू पर है ना बेटा टू टू पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है को करके देखते हैं बड़ा आसान है देखो पहली बात तो वो जो सिंपल सा फॉर्मुला मैंने आपको बताया जल्दी से आप वो रिवाइज करो जल्दी से याद करो क्या था सर ऑफ कर्वेचर होता है उसके हिसाब से है ना वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल की पावर होल स्क्वेयर की पावर है ना थ्री बाई टू अपन में डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर बड़ा सिंपल था भैया है? है ना ये था अपना सिंपल था फॉर्मूला ठीक है अच्छा तो मतलब यहाँ पर कुल मिला के ना हमें सर दो चीज निकालनी है एक तो डीवाई बाई डी एक्स और एक तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क् तो भैया पहली बात तो वाई जिगल टू लिखा है सर इन लोगों ने टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री तो सर डीवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा तो सर हो जाएगा फोर एक्स तो भाई साहब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क् क्या हो जाएगा तो तुम देखोगे वो हो रहा है अपने पास फोर सही बात है क्या ये तो डिफेंस हो गया बिल्कुल सिंपल सा अच्छा सर अब हमें निकालना डिवाइडेड यस एट एक्स फिजिकल टू कि टू पर तो यहां पर डाल देना टू तो यहां पर आ जाएगा आठ हम गलत है क्या सही है बिल्कुल है ना यहां पर आ गया आठ और यहां पर सर यहां पर तो कॉन्सेंट है तो यहां पर कोई से भी नंबर डालो उससे फर्क ही नहीं पड़ता तो आपका आंसर तो फोर ही रहेगा है ना चलो भैया तो अब बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो देखो कितना सुंदर आंसर आएगा आपको ईजी ही बना के देगा इसी तरह से है ना तो देखो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का बेटा डी वाई बाई डी एक्स इतना हो गया अपना आठ तो आठ का स्क्वायर मतलब सिक्सटी फोर हो गया है ना सही है क्या हाँ तो आठ ही लें सही है कि थोड़ा सा बदल लें हाँ अपन कोऑर्डिनेट बदल ले क्या कोऑर्डिनेट ले, ले लेते हैं अगर अपन वन बाय टू तो वो हो जाएगा भैया कितना टू ठीक है तो चार आ जाएगा तो पाँच हो जाएगा चलो ठीक है रहने दो ऐसे ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं तो ये हो जाएगा सिक्सटी फोर और की पावर थ्री बाय टू अपान में है ना डी स्को रहा डी एक्स कर तो मतलब कितना आ रहा है चार तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सिक्सटी फाइव की पावर थ्री बाई टू अपन में फोर आया आंसर तो ये आपका आंसर हो गया सीधी सीधी बात है है ना और कुल मिला के आपको जो ए वाला क्वेश्चन देखा है आपने वो कुछ अच्छा नंबर बनाएगा जिससे अंदर ना नो बन जाए कहीं से कुछ भी करके अंदर क्या बन जाए नो नाइन बन जाए कुछ तो नाइन का जब बाहर निकालोगे तो वो नाइन का क्यूब बन जाएगा है ना तुम देखोगे तो थ्री का क्यूब बनेगा तो ट्वेंटी सेवन बाय फोर इस तरह से कुछ बन जाए अच्छा तो ठीक है बस ये तो हमने मन से दे दिया इसलिए आपका आंसर इस तरह से बन रहा है ठीक है तो पहली बात क्या आप लोगों को समझ में आया कि एप्लीकेशन कैसे करनी है पक्का है ना फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ उसमें वैल्यू पुट कर दो बस हो गया सीधी बात है ठीक है चलिए दोस्तों तो अभी हम लोगों ने रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूरा टॉपिक इन डेप्थ एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा कर लिया है बेटा वेक्टर का क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूं आप लोग खुद कर लेना बहुत आसान है है ना आपको मैंने परपेंडिकुलर निकालना बता दिया है उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता ठीक है चलिए तो अब मैं जल्दी से आपको होमवर्क वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं ठीक है और फिर ये वाला अपन लेक्चर समाप्त करते हैं ठीक है चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम आपको जो होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए थे अब वो डिस्कस कर लेते हैं ठीक है और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि जो मैंने अभी आपको फॉर्मुला बताया था कि आर टू होता है वन प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वेयर की होल पावर थ्री बाय टू अपन में वन प्लस अपान में डी स्क्स स्क् पूरी क्वांटिटी ना पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रेडियस तो पॉजिटिव ही आएगी है ना जाहिर सी बात है रेडियस आपके पास पॉजिटिव आना चाहिए और हां अगर तुमको वो नेगेटिव दिखे मतलब कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर जो नीचे वाला टाइम है अगर वो नेगेटिव दिख रहा है तो भैया आप उसको पॉजिटिव डाल देना समझ में आ रहा है जैसे अभी पिछले बार हमारे पास चार आया था कभी माइनस चार हो तो आप उसको प्लस चार ही डालना ठीक है मोड ले लेना मतलब इसका ठीक है चलेगा क्या समझ में आ रहा है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए और ऊपर तो थ्री बाय टू है पावर तो वो पॉजिटिव होगा ही ठीक है चलिए अब जल्दी से मैं आपको आपके जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करा देता हूँ तो दोस्तों आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें ये बोला था कि एक पार्टिकल है जो कि एंटी एंटीक्लोकोज डायरेक्शन में चल रहा है है ना और बोला है कि जो रेडियस जो है बेटा आपकी वो रेडियस दी है बीस मीटर ठीक है और आपको एक फंक्शन दिया है एस इजल टू टी क्यू प्लस फाइव राइट तो भैया बोला गया आपको कि एट टी इज इकल टू टू सेकेंड टी इज टू टू सेकेंड आपको बताना है एक्सेशन एट पॉइंट पी है ना एक्सेशन एट पॉइंट पी वेन टाइम इजल टू टू सेकेंड ठीक है

ए टी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा देखो ध्यान से ए टी की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पर बारह है ना तो टेंजेंशियल एक्सलेशन आया बारह सर रेडियल भी निकाल लूँ सर रेडियल की क्या होता है फॉर्मूला बीस क्योर बाय आर तो सर बीस क्योर है क्या हाँ सर बिल्कुल है और आर है क्या सर बिल्कुल है बीस है है ना तो आपके पास बीस क्योर कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा नाइन टी की पावर फोर है ना अपॉन में आर बेटा आर क्या हो जाएगा आर आर बताओ आर बीस क्योर तो हो गया अपने पास है ना अब आर बता दो है ना तो भैया आर हो जाएगा बीस तो इधर आप अगर देखोगे तो t की पावर आप डालोगे t की वैल्यू डालोगे टू, तो ये ये हो 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 जाएगा कितना? 16. तो 16 by हो जाएगा तो हो जाएगा कितना तो तो है ना तो बेटा देखो अभी हमने ए टी भी निकाल लिया ए आर भी निकाल लिया अब आप लोगों को क्या चाहिए था एनेट चाहिए तो एनेट तो बड़ा सिंपल हो गया ना इंदो का रूट में स्क्र कर देना है ना तो एन एट क्या हो जाएगा बेटा आपके पास एन एट हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में सेवन पॉइंट टू का स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का स्क्वायर है ना तो भाई भाई साहब ये आपके पास हो रहा होगा लगभग ये हो जाएगा देखो फोर्टी नाइन के करीब ये फोर्टी नाइन प्लस होगा और ये वन फोर्टी फोर के करीब होगा तो इन दो को एक बार एड करोगे तो कितना हो रहा है देखो ये डेढ़ सौ के करीब है ये पचास के करीब है तो ये लगभग दो सौ के अंदर होंगे ये बात तो मानते हो अच्छा एक बात बताओ फोर्टीन का स्क्वायर क्या होता है फोर्टीन का स्क्वायर होता है वन नाइनटी सिक्स है ना और अगर आप देखोगे

जो टोटल एक्सेलरेशन होगा ना ये वाला टोटल एक्सेलरेशन जो होगा वो रेडियल एक्सेलरेशन से थर्टी डिग्री बना रहा होगा ये बोल रहा है बेट है ना तो बेटा थर्टी डिग्री बना रहा होगा आपको बताने कौन से समय पे ऐसा होगा ठीक है तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन है ना देखिए दोस्तों देखना ध्यान से उसने बोला है इनिशियली ये ठीक है तो आपको इससे क्या मिल जाएगा इससे क्या मिल जाता, क्या मिल जाता? पता है कि एटी बाय

एटी क्या होगा सर 80 तो सर आपको दिया है कितना दिया है सर रूट थ्री टी है ना सर रूट थ्री टी दिया हुआ है अब सर ए आर क्या दिया है तो ए आर होता है बेटा अभी अभी तो तो हो हो ना और अपन में फोर हो जाएगा ठीक है और बीस क्योर बाय आर ये आर बेटा अपने पास वन मीटर दिया हुआ है, है ना? तो बेटा मैं उसको वन मीटर से डिवाइड मार देता हूँ समझ गए होंगे आप तो वो वन ही रहेगा अब इसको सोल्व कर लो बेटा तो आपके पास क्या मिल रहा है देखो रूट थ्री 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 कट गए तो T cube equal to 4 बचा, तो बचा की बची टू बाई थ्री इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना सिंपल है ना आसान था ठीक है पक्का जल्दी से इसको लिख लो चलिए दोस्तों तो अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को करा देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए कि सर्कुलर के क्वेश्चन करना कैसे है, है ना और वैसे देखा जाए तो बेटा अपना लेक्चर आज यहाँ पर इसी पॉइंट पर समाप्त हो चुका है ठीक है और पूरा कैनोमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी समाप्त हो चुका है मगर मैं अपनी तरफ से एक आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं अब आप इसको देख लो और फिर अपन इस लेक्चर को समाप्त करते हैं ठीक है चलिए तो दोस्तों अपने पास ना कुछ वेरायटी इस तरह से पूछी जाती है इसे क्वेश्चन में कि मान लो वीज गल टू टू टी स्क् आपको है ना मान लो वीज गल टू टू टी दे दिया ठीक है अब यहां पर क्या है टू टी ले लें या कितना ले ले बताओ ठीक है टूटीज के ले लो है ना तो अब यहाँ पर आपसे पता है क्या पूछेगा ये पूछ लेगा आप लोगों से यहाँ पर आपको दो चीज देगा कि वेलोसिटी ये है और रेडियस की दे दी है आपको भाई रेडियस दे दी है उसको उसने दो मीटर है ना इस तरह से दे दिया तो आप लोगों से वो पूछेगा कि फाइंड ए टी है ना ए आर है ना एनेट और थीटा बिटवीन एनेट एंड एनेट एंड ए आर और आपसे पूछेगा अल्फा ठीक है और एट गल टू टू सेकेंड में सब सब सेकंड में बताना है ठीक है ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया मान लो देखो मैंने इसमें सारी वैरायटी हर तरह के क्वेश्चन मैंने ले लिया है ठीक है इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे ज्यादा नहीं बन सकता क्वेश्चन ये अपने दिमाग में डाल लो आप तरीके से ठीक है

इसी तरह से मैं एआर का फंक्शन निकालू तो बेटा वो वीस होता है तो भैया हम बोले मतलब कि कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 4 की पावर में R, और R दिया है दो मीटर सर आपने तो ये हो जाएगा की पावर फोर क्लियर है भैया ये भी हो जाएगा अपना है ना आंसर आ गया इसका भी चलिए तो ये हमने ए भी निकाल लिया ए भी निकाल लिया अब अगर मुझे फंक्शन में आंसर दिया जाता देने के लिए बोल देते तो ठीक है अदरवाइज अब जैसे इन्होंने बोला है कि तो टू पर बताना है तो अब आप एक काम करो अच्छा अल्फ़ा को भी निकाल लो आप फंक्शन है ना अच्छा मुझे बताओ अल्फा कैसे निकालोगे अब तुम बोलोगे सर अल्फ़ा तो डी ओमेगा बाई डी होता है सही बात है डी ओमेगा बाई डी होता है मगर बेटा एक और चीज़ याद रखो ना एट इज गल टू अल्फ़ा आर भी तो होता है तो आप इसी को अल्फा आर के बराबर कर दो ना तो आप एट इज गल टू अल्फ़ा आर करोगे बच्चे और ए की वैल्यू डालोगे फोर है ना तो ये और अल्फ़ा इन और आर हो जाएगा अपने पास दो तो बेटा अपने पास अल्फा कितना आ जाएगा अल्फा आ जाएगा टू है ना सिंपल सी बात है तो अल्फ़ा का भी फंक्शन निकल गया ठीक है तो भाई साहब अब आपको निकालना है टीस गल तो टू टू सेकेंड पर सारी चीजें है ना चलिए भैया बहुत बढ़िया तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे ए टी तो बेटा ए टी कितना आ रहा है दो सेकेंड पर देखो तो आठ आ रहा है है ना ए आर कितना आ रहा है दो सेकंड पर तो देखो आप कितना आ रहा है वो थर्टी टू है ना बेटा उसके बाद फिर अल्फा कितना आ रहा है देखो अल्फा आ रहा है सर आपके पास अल्फा आ रहा है चार है ना ये निकल निकलिए आपके पास अब एनेट निकालना है तो सर इन दो से एनेट निकाल लो तो एनेट हो जाएगा सर आठ का स्क्स थर्टी टू का स्क्वायर तो आठ सौ बत्तीस आठ आठ इसमें से बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट में सेवनटीन बच जाएगा शायद देखो यही बचेगा आपके पास है ना आ, एट का स्क्वायर प्लस थर्टी टू का स्क्वायर बचेगा है ना तो इसको लिख सकते हो एटीन टू फोर और आठ मैंने बाहर निकल लिया तो सिक्स सेवनटीन बच जाएगा है ना तो ये हो जाएगा आपके पास एन एट थीटा बताना है तो बेटा टेन थीटा टेन थीटा हो जाएगा बेटा ए टी बाय ए आर है ना और ए टी बेटा कितना है तो बोलना दो सेकेंड पर सर वो है आठ बाय बत्तीस

आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आज इसी के साथ हमारा सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स वाला पार्ट पूरी तरह से एंड हो चुका है हमने सब कुछ समझ लिया है मैं आपको वापस से ओवरव्यू बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया करा बेटा हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर की चीज़ें लीनियर की चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे फिर हमने लेक्चर टू में इन दोनों को मिक्स करा और विजगल टू ओमेगा टू अल्फार पढ़ा स्पेशल केस पढ़े और फिर लेक्चर थ्री में हम लोगों ने

ठीक है तो तब तक के लिए गुड बाय थैंक यू